मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ यार, देखो अभी की बात नहीं, जब जितनी बार भी मैं अपनी वीडियो देखूंगी ना शादी की। तो चलो आपको ना इसका अर्थ बताते हैं कि इसका अर्थ होता क्या है। और ये एक चीज और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी इसमें ना बहुत प्यारा काम किया हुआ है और ना बहुत प्यारा है, जैसे आप देख सकते हैं। क्या बोला हा? उन्होंने बोला हा कि आपके भाई है कि कौन है। हाँ बोले आपके हाँ, भाई ही है। तो जब उन्होंने बोला ना इनको कि बेटा इधर आना, तो बोलते आपके पापा है, और सब शॉक्ड हुए थे बाजार में। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? और सभी बढ़िया होंगे। सो आपने पिछले ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके उसके लिए लिए थैंक यू सो और मच। आगे भी आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। तो आज जिस सरप्राइज का आपको इंतजार था, काफी लोगों ने बहुत अच्छा गैस किया है कि बिल्कुल। ये मेरी वाली शादी की एल्बम है, मेरी मम्मी के घर वाली मतलब। तो पहले जो हमने आपको दिखाई वो वो इनकी मेरी थी, वाली थी। और अब हम जो आपको दिखाने वाले वो मेरी है। हाँ, क्योंकि ना तो हमको काफी ज्यादा मैसेज आए थे कि भाई हाँ, इनके साइड से भी देखनी है तो हमको। इस वीडियो में भी आपको बहुत बहुत सारा प्यार देना है। तो ज्यादा वेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते सो चलो हैं। पहले एल्बम दिखाते हैं आपको, बहुत ज्यादा भारी है। सो चलो दिखाते हैं आपको इसकी आगे से लुक। आप ये देख सकते हो इसकी लुक कुछ इस तरह से है, और थोड़ा सा आपको क्लोजअप दिखाते हैं। सो ये है कुछ ऐसी बाहर हमारी से। स्टार्टिंग, हाँ और ये ते ना, हाँ अच्छा है, मतलब इसमें कांच मैं यूज हुआ सोनी है। हाँ, है ना। ते मैं थुक लाया ते पहला पन्ना पलटिया है, इधर जगह कुछ भी नहीं हैगा। आगे ते पलटा मैं मारो। थुक लाया ते मैं दूजा पन्ना पलटिया, सेलिब्रेटिंग लव लाइफ एंड हैप्पीनेस। इसमें भी तो कुछ नहीं है। बिना फोटो तो मैंनू कुछ समझ नहीं आती। मैं थुक लाया ते मैं तीजा पन्ना पलटे, ओ मुंडा तेरी देखो, कुड़ी देखो किन्नी सोनिया, ये सोना सा बच्चा कौन है? आप अरे प्यार सा लड़का कौन है? आपको पता होना। सो गाइस ये कुछ ये ना, और ये हम ना दूसरी बार वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पहले में ना ट्यूब का इसमें बार बार रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, तो फिर हमने हाँ। सोचा फ्लैश लाइट ऑन करके करते हैं। तो चलो, ये देखिए ये है फुल कुछ। लहंगा। हाँ वैसे तो हाँ, मतलब पहन के ज्यादा पता लगता ना, एज कंपेयर दिखा के दिखाया था ये तो मेरे वाली है फोटो भी बहुत मतलब। प्यारी है आपकी। यहाँ तो सारा मतलब सब कुछ हेयर क्या स्टाइल मेरा बात है। खराब हो गया था पूरा। ये वाली भी अच्छी आई हाँ भी। ये भी अच्छी है हमारी, और इस वक्त तो थक गए रे कसम से, ये शाम के वक्त की है। तब हम हाँ अब, और ना मतलब सुबह से हमने खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया था उस वक्त, याद है? मतलब मैं तो हाँ भूखे पेट ही गया था यहाँ से। ओ उस टाइम भूखे पेट ही रहना पड़ता है, मैं भी मैं भूखी वही बोल थी। रहा हूँ, उस वक्त हम भूखे थे ना, कुछ खाया पिया भी नहीं था। ये वाली फोटो भी बहुत प्यारी आपकी। हाँ ये फर्स्ट की फोटोज है, ये तो आपने देखी होगी इंस्टा पे भी अपलोड कर। तो बहुत प्यारी यहाँ फोटो। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी शादी की रस्में। तो सबसे पहले ये मेहंदी का है, तो ये मैं आपको बता दूँ, मेरी मम्मा है, ये दादी जी हैं, ये मेरी छोटी सिस्टर है, और ये पापा हैं मेरे, ये मेरे पापा हैं। तो मैं पापा की बेटी। और यहाँ से मेहंदी की रस्म शुरू। हाँ जी, और ये मेरी चाची हैं, ये मेरी मेरा भाई है ये अंकित, ये मेरे पापा हैं, बताया था। ये मेरे मामू मामी हैं रियल, और ये मेरी नानी जी। हंसते रहते हैं जब भी मिले उनसे, हंसते रहते हैं। हाँ ये है मेरी ये दादी, दूसरे वाले हैं। ये मेरी बुआ है रियल बुआ। थोड़ी थोड़ी लुक देते हैं पापा की तरह ये। थोड़ी सी, क्या बात है, तो यहाँ पे क्या तो मम्मा बात के है, आग लगा दिया लड़की ने। हो गया। ये मेरे मम्मी, ये हमने ना घर की बालकनी में मतलब, और होटल लिए ये पता है। है ये जो पीछे की ये जो दिख रही है ना डेकोरेशन, ये खुद की है क्षितिज ने, मानना पड़ेगा यार उसको। काम अच्छा है, नो डाउट। बहुत प्यारा है। और ये सभी लोग मेरी शादी में शामिल हुए थे। ये मेरे गांव के हैं मतलब, सारे रिलेटिव्स हैं। अब एक एक को बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, सो अभी स्किप करते हैं इसको। ये फोटो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। डोले देखो, डोले अच्छे लग रहे हैं ना। सो ये वाला फोटो भी अच्छा है, ये भी अच्छा फोटो आपका। फोटो चलो सारी अच्छी है ये। चलते हैं आगे।
सो यहाँ से मेरी हल्दी स्टार्ट हो गई है। सो काफ़ी लोगों को मेरी हल्दी वाली आउटफिट भी बहुत पसंद आई थी, इवन पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद गई आउटफिट हल्दी वाली अपनी। तो यहाँ पे है जो पूरी फैमिली हमारी, वो मामा स्वागत के लिए गेट के पास खड़ी हो गई है। और ये देखिए, ये मम्मी और मैं, हम पूजा वजा जो भी होती है रस्में, ये मेरे नानू नानी है, मेरे नानू नानी, और ये मेरे छोटे नाना जी हैं नीचे जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले। नानी नहीं आ पाए थे क्योंकि घर पे कोई नहीं था, तो मामू मामी आए थे ना। ये मेरे सबसे छोटे छोटे नाना जी, क्योंकि मेरे तीन नाना जी हैं ना, तो ये मेरे सबसे छोटे वाले नाना जी, और ये मेरे मामू मामी हैं जैसे कि मैंने पीछे बताया था, और ये उनका बेटा है, और ये उनका छोटा बेटा है, दो बेटे हैं इनके, और ये मेरी, अच्छा ये तो मामी है, ये चाचू है मेरे, और ये मेरी छोटी वाली नानी है, इनकी वाइफ, सबसे छोटे वाले नाना जी की वाइफ है। सो नेक्स्ट ये छोटे मामू की बेटी है, और ये सभी यहाँ पे मामा स्वागत चला हुआ है ना। हाँ ये तो अभी तक बहुत लंबा स्वागत था। हाँ हम बता देते हैं, एक बताएंगे तो फिर। वाह जी वाह, मम्मी पापा ने फुल मज़े किए हुए हैं, फोटोशूट अच्छे से करवाया हुआ है सच में। और ये मेरे छोटे मामू मामी हैं, ये गुरुजी और कुल्लू सर, अरे काफी जानते होंगे इनको कुल्लू में। और ये हूँ मैं, प्यारा सा बच्चा, और ये मेरी दीदी है शिमला की। यार बहुत बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरी हेल्प की शादी में, और दीदी बहुत सपोर्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। चलो आगे चलते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी हल्दी की फुल आउटफिट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देख सकते हो, और मतलब काफ़ी, मुझे काफ़ी पसंद है अपनी आउटफिट हल्दी की, है बहुत अच्छी लगती है। आप कुछ कहना नहीं चाहोगे यहाँ पे कुछ? तुम बहुत खूबसूरत हो, कहने की कोई बात नहीं है। So, आगे। ये मेरा भाई, ये मस्त रहता है मेरे साथ, ये फोटो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे फिर आगे हल्दी की जो भी रस्में होती है वो शुरू हो चुकी थी, हल्दी में जो भी होता है। सो यहाँ पे ये हमारे, सबको पता होगा कि तेल शांति जो होती है उसमें ये परिवार वाले, ये जो वो क्या बोलते हैं इसको, मुंजर माला बोलते हैं, ये रखते हैं सर पर, और हाँ जैसे देख सकते हो ये भानु और मैं ये सब तेल डाल रहे हैं, मतलब उसके साथ की फोटो है तेल डालने वाली। ये अभी तेल की रस्म है। यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मामू के साथ ना मेरी काफ़ी, हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं मैं और मामू, मतलब अच्छी बॉन्डिंग थी इनके साथ मेरी। यहाँ पे मैं इमोशनल हो गई, फिर दादी के बारे में इमोशनल हो गई, यहाँ पे थोड़ी ठीक हो गई, यहाँ पे भी थोड़ी ठीक। ये मेरे सबसे छोटे वाले मामू हैं, अंकित के बारे में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी यार सच्ची बोलूँ तो, क्योंकि अंकित के सारे मेरी, अंकित के साथ ना मेरी नेक्स्ट लेवल की बॉन्डिंग थी सच में ही। और ये फोटो मैं जब भी देखती हूँ ना तो मुझे बहुत इमोशनल हो जाती हूँ सीरियसली, बाय गॉड से। तो ये सभी मेरे वहाँ के रिलेटिव्स हमारे। हल्दी से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, वरना रह जाएंगे हल्दी तक की। सभी यहाँ पे हल तेल, अभी तो तेल ही डाल रहे हैं, हल्दी नहीं डाल रहे हैं, ये तेल का कार्यक्रम। ये मेरी दीदी हैं, कज़न मेरी रियल, ये उनके हस्बैंड है। तो यहाँ मैं फिर इमोशनल हो गई, क्योंकि मम्मी पापा के साथ, इवन पापा ना मुझे यहाँ पे ये कहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि बेटा रो मत, तेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा यार पागल है, वो तो मुझे मतलब मतलब खुश करने के लिए, लाइक वो मतलब मैं ज़्यादा ना रहूँ तो मुझे ऐसे, ताकि मैं हैप्पी रहूँ, तो बोल रहे थे मेकअप ख़राब हो जाएगा, पर क्या कर सकते हैं। ये मेरी दादी जी, यादें रह जाती है यार, और तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे फिर हल्दी की रस्में शुरू हो गई, ये हल्दी लगना शुरू हो गई। ये देखिए टॉर, देखिए इनकी लगती है कहीं से, मतलब चलो क्या करना, किस्मत। मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज, सबसे ज़्यादा वैसे बेटियाँ तो सभी होती है, मेरी ना सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग मेरे पापा के साथ थी, अभी भी है। पर तो चलो अब पहुँचते हैं डायरेक्ट शादी में। जी नहीं, अभी रह गया कुछ। सो ये थोड़ा फोटोशूट हमने बाहर किया था, इतने में कह रही कि बरात होगी, वो तो होता ही है ना, वो तो होता ही है ना, फटाफट
बट फोटोशूट मेकअप सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हुआ था, मतलब मैं सेटिस्फाई थी इस चीज़ से कि बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा। चलो बहुत ज़्यादा फोटो लिए यार, ये वाली फोटो मेरे पास, मुझे पास है नहीं, मुझे भेज देना, पर वहाँ से भी तो डिलीट हो गई है। कोई बात नहीं, कब देंगे इसको? ये सारा मेरा परिवार, दिक्कत ऐसी हुई ना हार्ड ड्राइव में सारा डाटा चला गया। यार देखिए जी, फुल मजे किए मैंने, वीडियो पोज पूज मार के मजे से। चलो मम्मा बड़े सुंदर लग रहे हैं। मेरी मम्मा ना बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब वो तैयार ही नहीं होते शादी में भी, बड़ी मुश्किल से पता नहीं किसने तैयार किया उनको, खुद तो बेचारे मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मतलब मेरी मम्मी ना मेरे पापा की बिल्कुल अपोजिट है, जितने मेरे पापा फैशनेबल मतलब जो भी घूमना फिरना जितने भी वो है ना, मम्मी उससे पूरी अपोजिट है, उनको कुछ नहीं पता। किसी ने कुछ लगा दिया तो ठीक है, मतलब पहले जब मैं होती थी ना तो मैं मम्मी को क्रीम लगा के देती थी, मतलब उनको पता ही नहीं था, वो इतने सिंपल है कि अब मुझे बोलते कि यार तेरे बिना ना मतलब मैं, मुझे पता लगता कि क्या करूं। इवन सूट भी होता था ना तो मैं उनको सजेस्ट कर, मम्मी ये लगाओ वो लगाओ, क्योंकि उनको खुद से भी ये नहीं पता लगता था। अभी भी बोलते हैं कि तू जब पसंद करेगी तो वही पहनूंगी मैं। बहुत मुश्किल होता है यार। सो ये मेरे मामू मामी के साथ फोटोशूट हो कुछ, यहाँ पहुँच गई थी बारात। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ यार, अभी की बात नहीं, जब जितनी बार भी मैं अपनी वीडियो देखूंगी ना शादी की या फिर एल्बम, तो मेरे को उतनी बार इमोशनल हो जाती हूँ। खैर कुछ नहीं है। सो ये अब आगे थे, मिलनी हो रही थी, आगे चलते हैं। मामा मामा की, जीजा जीजा की, जैसे पता ही आपको मम्मियाँ होती है, यहाँ पे भी जी, ये मेरी पूरी फैमिली है, यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं हूँ और शिवम जी नहीं है, बाकी ये मेरा टब्बर पूरा है यहाँ पे। ये सब बहुत अच्छी है यार, ठीक है, पर बहुत अच्छी फोटो थी इन्होंने। भानु भी इतनी मेरी सिंपल बहन भी मेरी मम्मा की तरह है, सिंपल बिल्कुल, मम्मा की तरह बिल्कुल सिंपल ही। उसको भी किसी ने कुछ दिया तो ठीक, नहीं दिया तो तब भी ठीक। मैं अपने पापा की तरह हूँ, मैं पापा की तरह हूँ, हर एक चीज़ मुझे परफेक्ट चाहिए होती है पापा की तरह। मम्मी और मेरी बहन को दिया तो ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है। जय बाबा दी। तो चलो ये पहुँच गए जी, हाँ कुड़ुम कुड़ुम जी। सो इनकी एंट्री भी हो गई, रिबन कटिंग हो गई। रिबन कटिंग तो बड़ी जबरदस्त थी, खैंची ही टूट गई थी। यहाँ से थोड़ा इमोशनल मोमेंट, यहाँ पे एक, यहाँ पे पता क्या हुआ था, मैंने वीडियो में देखा, मुझे तो पता नहीं था, जैसे ही दूल्हा अंदर को एंटर हुआ ना दरवाजे से, तो मेरे पापा इमोशनल हो गए थे कि आ गया है वो दूत मेरी बेटी को लेने, होता है ना, मतलब जैसे ही ये एंटर हुए, उस टाइम कोई रोल नहीं था किसी चीज का, और पापा इमोशनल देख सकते हो, लग जाएगा पता, यहाँ इतना नहीं पता लगता, वीडियोस में ज्यादा लगता है। दादी मस्त, दादी मेरी मस्त, ये देखिए दादी लगती है मेरी कहीं से, इतनी मस्त मौला मॉडल है पूरे भी। हाँ दादी मुझे फाउंडेशन फाउंडेशन जो भी है, दादी मस्त है यार। ये मेरे ठाकुर जी, ये हमें पता है, मैंने इनके लिए स्पेशल हल्दी वाली फोटो नहीं डाली, उस दिन मैंने उनको येलो ड्रेस पहनाया था, आज ये वाली रखी थी मैंने। यहाँ पे थोड़ा इमोशनल, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। और यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो भी बहुत प्यारी थी। हाँ और ये वाली सच में बहुत, ये सबको बहुत पसंद आई थी ये फोटो। सारी फोटोज अच्छी है यार, ये फोटो अच्छी आई है, नो डाउट, बहुत अच्छा काम है, काम सीरियसली बहुत अच्छा किया है इसने। ये मोमेंट सो स्पेशल, और हेल्प भी काफी की है इसने, झूठ क्यों बोलना, जब हमारा प्री वेडिंग शूट भी हुआ था ना, तो मतलब काफी हेल्प की थी, और हेल्पफुल बंदा है ये हमारा परिवार, पापा। और यहाँ से जो है, सो मैं इसका मतलब थोड़ा समझा देती हूँ, ये जो है ये शिलबट्टू कहते हैं, शिलबट्टू शिलबट्टू, तो ये जो इन्होंने ये मेरे अंगूठा इसके ऊपर प्रेस किया हुआ है, मेरी तरफ बताइए जरा, मैं इसका मतलब सभी बहनों को समझा देती हूँ, शिलबट्टू बोलते हैं, क्योंकि मैंने खुद ये
अपनी लाइफ में अमल जो पंडित जी थे वो हमारे मेरे पापा के काफ़ी अच्छे फ्रेंड है जो हमारे साथ वृंदावन भी जाते कथावाचक के वो। तो इसका मतलब होता है कि जो इसमें ये दूल्हा जो होता है ना वो दुल्हन को कहता है, अपनी पत्नी को कहता है कि हे वधू मतलब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव काफ़ी आएंगे। लाइफ में होता ही है यार, ऑब्वियस ही बात है, लाइफ ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ऐसे चलेगी स्मूथ या फिर मजे ही मजे होंगे। लाइफ में कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, होती है या फिर कई चीज होती है। तो तूने ना इस शिला के समान स्थिर रहना है। पत्थर कहता है स्थिर होता है ना, वो हिलता डुलता नहीं है। तो इस पत्थर के समान तूने स्थिर रहना है, चाहे मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, बिल्कुल बाकी मैं देख लूंगा। सो इसका मतलब ये होता है, और मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ का अमल किया हुआ है पंडित जी। अगर मैं ऐसे ही बता रही हूँ सबको, वैसे हमें ऐसा ही करना चाहिए। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम साथ बिल्कुल होंगे, साथ रहेंगे तभी ठीक हाँ, रहेगा तभी ना तो यार, सारा मतलब सब प्रॉब्लम कुछ होता सॉर्ट है। आउट सॉल्यूशन होगी। हर चीज़ का होता है, मेन बात होता है एक साथ तो करना। इसका मतलब मुझे ना अपनी शादी की एक एक चीज़ें जो उन्होंने बताई है सब याद है मुझे, और वेरी गुड, कभी भूलना तो क्या, वो तो बहुत वो है। कभी ऐसा होता है ना तो मैं उसको चला देती हूँ और फिर याद करती हूँ। भूलनी नहीं चाहिए हमें चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। इतनी बड़ी शादी जैसी बड़ी चीज़ को ना कभी भूलना नहीं चाहिए। तो चलो चलते हैं आगे। सो जी यहाँ पे फोटो शूट वगैरह हो रहा था बाहर। ये मेरी फ्रेंड्स थी, मेरी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड फ्रेंड है, दो तीन ही थी मेरी जो भी थी, यहाँ देख रहे हो आप। और यहाँ पे विवाह संपन्न हो चुका था जी? नहीं नहीं अभी आगे रहेगी, अभी और रस्में हैं। आप ऐसी विवाह संपन्न करा, विवाह यहाँ पे संपन्न कहते हैं ना हुआ। जो भी मतलब कुछ हाँ मतलब परिवार से जो देना वगैरह होता है देना वो करते चाहते हैं, अपनी इच्छा। ये देख सकते हो। थोड़ा फोकस मारे, थोड़ा फोकस दादी मारे अभी। तो हाँ दादी तो ये फोटो यार बहुत मेरा है कुछ है। वाव, और इस मोमेंट का तो सीरियसली कुछ नहीं बोल सकते, ये तो बहुत स्पेशल मोमेंट था। उत तेरी एक मॉडल और आई दीदी, ये तो सिर्फ मतलब ना सबके लिए, मैं कुछ बोल नहीं सकता इस मोमेंट को, हाँ बहुत स्पेशल है बहुत ही यार। ज्यादा स्पेशल और मैं यार। इतनी इमोशनल हो गई थी ना उस टाइम, सीरियसली बहुत ज्यादा इमोशनल, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में शादी होगी, और नीचे सभी ऐसे करे जब ओ ऐसा। आप देख सकते हो जब इसके बाद ये उठे थे ना, तो मतलब थोड़ा सा ना इनकी मतलब ऐसे इनको कंपनी टाइप पड़ गई थी जब इनको थोड़ा सा हाँ, मैंने देखा, और मुझे मैंने इनका हाथ पक्का पकड़ लिया कि भाई टेंशन मत लो यार, कुछ नहीं है, अब टेंशन लेने वाली ये बात नहीं पांडे जी है, जैसे कि आपको पता ही है वृंदावन से वाले, आए थे। इनका भी बहुत हेल्पफुल है यार, बहुत हेल्पफुल है वृंदावन में भी, मतलब इतनी हेल्प किए ना जब हम इन्होंने, वृंदावन जाते हैं ना तो सब कुछ ये संभालते हैं सब बहुत, और कुछ। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो। ये तो यहाँ ये पे कुछ एंड में टाइम था है, ये, और एक फोटो दिखाता हूँ आपको मैं, ये वाला वटो फोटो बहुत प्यारा। और ये आ गया इमोशनल मोमेंट, यहाँ से चल पड़ी थी विदाई। तो यहाँ पे है पापा ना, ये दरवाजा था ना इस साइड वाला, उसके पीछे ना ऐसे मतलब जब मैं उनकी तरफ देखूं तो मतलब मुझे इतना, मेरी ना रूह कांप जाती है यार। ये पता नहीं लोग अभी सोचते हैं कुछ लोग कि कितना रोते, मेरे को काफ़ी लोग भी बोल रहे थे बहुत रो रही थी, इतना क्या रोने की ज़रूरत थी, बट ये नेचुरल चीज़ होती है, मैं ना कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हूँ शायद। ज्यादा नहीं बहुत और ज्यादा। ये तो फिर ये मोमेंट इतना बुरा था ना, मतलब मैं अभी भी इस मोमेंट को जब फील करती हूँ ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ सीरियसली। पर मैं उससे पहले भी ऐसी थी, मैं किसी की भी शादी होती थी ना तो मैं इमोशनल हो जाती थी, ये पहले से इमोशनल है। पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि यार मैं अपनी शादी में इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगी। ये मोमेंट जब मैंने मम्मी पापा दोनों को हक किया था, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और वो वाला जो आपके वाला मोमेंट वो उसमें है। और ये यार, मैं एंडिंग, ना मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि मेरी शादी हो गई है सच में ये लोग कई बार बोलते हैं। तो यहाँ से होती है हमारी एंडिंग। तो ये इस तरह की हमारी कुछ एल्बम थी, और ना यार काम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है इसमें, और ना ये थैंक यू सो मच क्षितिज, बहुत बहुत थैंक यू। नहीं सच में बहुत अच्छा काम किया इसने, और ये कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, कुछ नहीं है। तो चलो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको एक नए फ्रेश ब्लॉग में।